जय हिंद। रेलवे की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आ गई है जिसका नाम है आरआरबी एनटीपीसी, यानी ये इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट का जॉब है और ये ऑफिस वर्क वाला जॉब है। इसमें कितना वैकेंसीज है तो 8113 वैकेंसीज है। मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बताऊंगा कि इसके सिलेबस क्या है, इसमें एज कितना लगेगा, इसमें फीस कितना है, इसमें पोस्ट आपको क्या देखने मिलेगी, तो सारा चीज इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा। इसमें महिलाएं एवं पुरुष दोनों ही भर सकते हैं, तो सारा चीज मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस जॉब की विशेषता का बात करूंगा, तो यहां पर सबसे पहले तो इसमें कोई रनिंग नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर फिजिकल जो रनिंग दौड़ होती है वो नहीं होने वाली है। यहाँ पे नो हाई जंप यानी कोई भी ऊंची कूद, लंबी कूद, इस तरह का कुछ भी कूद नहीं होगा। नो इंटरव्यू, यहाँ पर इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर ये जो जॉब होने वाली है ये ऑफिस वर्क वाली जॉब है, तो यहाँ पर आपको ऑफिस में ही काम करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जॉब है यानी कि ये एक परमानेंट जॉब होने वाली है, और इसकी जो सैलरी होने वाली है वो 35,000 रुपया प्रति महीना का आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये जो जॉब की विशेषताएं हैं, तो चलो सारा चीज मैं यहाँ पर आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपका इसमें क्या क्या वैकेंसीज है, क्या प्रोसेस है, सारा चीज। तो देखो इसमें जो आपको पोस्ट मिलने वाली है वो है स्टेशन मास्टर की। आप लोगों को पता होगा स्टेशन मास्टर का क्या काम होती है, कौन सा ट्रेन किस प्लेटफॉर्म में खड़ी होगी, किसको निकालना है, किसको रखना है, किसको खड़ा करना है, सारा चीज स्टेशन मास्टर का काम होती है। इसके बाद गुड्स गार्ड का काम होता है, गुड्स को देखना। सीनियर असिस्टेंट क्लर्क का आपको यहाँ पे मिलेगा, टिकट कलेक्टर का आपको मिलेगा यहाँ पर जॉब। तो ये सब आपको पोस्ट मिलने वाली है अगर आप इस वैकेंसी को क्लियर करते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे मैंने बता दिया 8113 वैकेंसीज है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसीज है, और ये 3-4 साल बाद वैकेंसी आया है, तो आप इसमें जरूर भरिएगा। अब इसमें जो है अप्लाई डेट कब का है, तो यहाँ पर 14 सितंबर से लेकर ये 15 जो अक्टूबर है इतना तारीख तक रहेगी, यानी कि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ये जल्द ही स्टार्ट होगा, तो आप इसको जरूर से भरिएगा। अब चलिए मैं बता दूं इसका एज क्या है, तो एज जो लिमिट रहने वाला है वो है 18 से 33 साल तक, 18 से 33 साल तक रहता है। लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में 3 साल जो है सभी को एक्स्ट्रा दे दिया गया है, ये सभी कैटेगरीज के लिए, ठीक है, और 3 साल एक्स्ट्रा आपका ओबीसी के लिए और 5 साल जो है वो एसटीएससी के लिए। तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका यहाँ पर एज काफी ज्यादा यहाँ पर दी गई है। अब चलिए बात करते हैं इसमें फीस कितनी लगेगी, तो फीस जो है वो 500 का फीस है, किसके लिए, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए। और इसके बाद आपका 250 रुपया लगेगा एसटीएससी कैंडिडेट के लिए, और किसी भी प्रकार की महिला हो, कोई भी कैटेगरी का महिला हो, उसको 250 ही रुपया लगेगा, ठीक है। यहां पर आपका फी भी बता दिया हम। अब इसमें क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या रहने वाली है, तो वो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीमिंग से, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, कोई भी साइंस, कोई भी मतलब मीडियम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, पहला CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा जिसमें टाइपिंग स्किल आपको मांगा जाएगा, और इसके बाद आता है मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो CBT 1 और CBT 2 में क्या सिलेबस रहने वाली है वो भी मैं बताऊंगा, और ये स्किल टेस्ट जो है टाइपिंग, इसको लेकर आपको घबराना नहीं है। देखो टाइपिंग जो है आप लोगों के पास काफी समय रहेगा, तो आप लोग जो यहाँ पे टाइपिंग आराम से कर लीजिएगा, 30 वर्ड्स मांगता है, 30 वर्ड्स पर मिनट, तो आप लोग इसको आराम से अचीव कर लीजिएगा। तो अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस CBT 1 में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 मार्क्स की होगी, ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क, और इसमें आपको समय जो है वो 90 मिनट दिया जाएगा, और हर एक गलत आंसर का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर जीके आपसे पूछा जाएगा, मतलब ये 100 क्वेश्चन क्या क्या आने वाला है, तो जीके से आएगा, इसके बाद रीजनिंग से आएगा और मैथ से आएगा, तो जीके से 40 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन, इस तरह से आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरा हो जाता है और 100 मार्क्स का होता है। तो अगर आप CBT 1 क्लियर करते हैं तो आप CBT 2 में बैठ सकते हैं, और CBT 2 में जो है आपका यहाँ पर 120 क्वेश्चन रहने वाली है 120 मार्क्स का, लेकिन समय जो है उतना ही रहने वाला है, यानी 90 मिनट ही रहेगा आपका यहाँ पे, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा सेम, लेकिन इसमें भी सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तो जीके का क्वेश्चन 50 आएगा, रीजनिंग का 35 आएगा और मैथ का भी 35 आएगा। तो सिलेबस वही है आपका, यहाँ पर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ये जो है सेंट्रल लेवल का है वैकेंसी, ठीक है, सेंट्रल लेवल का है, तो आपका इसमें ऑल ओवर इंडिया सभी कोई भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से भरेगा तो भाई यहाँ पर काफी ज्यादा वैकेंसीज है, थोड़ा बहुत टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है, लेकिन जो लोग इसको प्रिपेयर करेगा वही लोग। तो इसमें एक चीज है कि ग्रेजुएशन यहाँ पर होना जरूरी है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो ग्रेजुएशन मांगा है, ग्रेजुएशन अगर आपका नहीं है तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं।
तो अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस वैकेंसी को जरूर से अप्लाई करिए, जरूर से भरिए और अपना एक पद ले लीजिए इसमें और अपना लाइफ यहां पर सेट कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।